गुड़ के चाय हुआ बनना आसान फ्रेंड्स। तो देखिए कितना बढ़िया से गुड़ के चाय कुल्हड़ में वो भी बना है। तो आप मार्केट में जाएंगे तो गुड़ के चाय मिलेंगे, लेकिन इस तरह से घर वाला फ्रेश चाय हेल्दी तो नहीं है मिलेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। गुड़ से चाय बनाने के लिए हम गैस ऑन करके ले लिए हैं सॉसपैन। सॉसपैन में हम लेंगे पानी 2 कप, मतलब 1 कप ले लिए हैं और 1 कप, और साथ में हम लेंगे 1 तेज पत्ता, और यहाँ पे लेंगे हम 3 कूटा हुआ इलायची, 1/2 इंच काली मिर्च पाउडर क्रश किया हुआ है, 1 इंच अदरक के टुकड़ा को हम क्रश कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे लेंगे चाय पत्ती 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे लेंगे हम गुड़। तो गुड़ में सबसे बड़ा सावधानी रखना होता है कि ये है गुड़ और यहाँ पे ये रावा। तो रावा फ्रेंड्स खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, लेकिन चाय के लिए टेस्टी नहीं होते, थोड़ी कड़वा लगते हैं यहाँ पर। और गुड़ में सर्दियों के मौसम में गुड़ के चाय पीने से इनमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, आयरन बहुत ज्यादा है। इनका चाय पीने से एनीमिया पेशेंट भी थोड़ा ठीक होते हैं। और इनको हम 1 उबाल आने देंगे, कस के एकदम खूब ढकने देंगे। 1-2 कप पानी को 1 कप करना है आपको। तो यहाँ पे इस तरह से चलाते हुए आपको अच्छे से चाय को पकाना है, ताकि सारा चीज जो डाले हैं सामग्री सारा स्वाद चाय में आ जाए। तो इसी तरह से बस 1 मिनट और हम खोलाएंगे इनको अच्छे से। चाय यहाँ पर अच्छा से खोल गए हैं, उबाल भी मार दिए हैं। अब चाय को हम छान लेते हैं। यहाँ पर आधा आधा कप हम छानेंगे चाय को। अब हम ले लेते हैं दूध। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स कि दूध कब लेना है आपको चाय में, नहीं तो गुड़ के चाय में दूध फट जाते हैं। तो गुड़ के चाय बनकर तैयार है फ्रेंड्स। देखिए कुल्हड़ वाली एकदम, इस तरह से मार्केट में आपको शायद नहीं मिलेंगे। सबको गुड़ के चाय, बहुत लोग को होता है कि गुड़ के चाय बनाने में कतराते हैं लोग कि हम गुड़ के चाय बनाएंगे तो फट जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं फटेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया से गुड़ वाला चाय बनकर तैयार हो गए हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो आपको? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, खास करके गुड़ वाली चाय पर ज्यादा से ज्यादा व्यू आना चाहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।